हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन दिस फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स जो है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे तैयार होते हैं, उनके फॉर्मूलीज जो है वो कैसे लिखते हैं, और उसके साथ साथ हमें मॉलिक्यूलर मास जो है इस कंसेप्ट के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बच्चों, हम सबको मॉलिक्यूल और उसका मास मालूम होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम बाकी के कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते। तो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स जो है इसके बारे में हम जानते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहले की जो वीडियो है इसमें भी मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया था। रिसेंटली इसके पहले का जो एलिमेंट्स है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देता हूँ, सिंबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है और एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स हम कैसे लिखते हैं। तो एलिमेंट्स किससे बनते हैं बच्चों, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। एलिमेंट्स किससे बनते हैं, एटम्स से बनते हैं। और जो है एटम्स जो होता है, अब कुछ एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और कुछ एलिमेंट जो है वो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव। अब पहले जो है इनएक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इनएक्टिव एलिमेंट्स। तो जो इनएक्टिव एलिमेंट्स है तो उनका जो सिंगल एटम है वो एटॉमिक स्टेट में रह सकता है, यानी कि वो अकेला रह सकता है। वो क्या रह सकता है, अकेला रह सकते हैं। इनएक्टिव कौन से एलिमेंट का एटम, इनएक्टिव एलिमेंट्स जो है जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, और उसके साथ ही वो अपने एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट एटम के साथ भी उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो उस तरह के जो एलिमेंट्स है उसे इनएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो उस इनएक्टिव एलिमेंट्स का जो एटम है वो अकेला रहता है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, तो वही एक एटम जो है वो एटम एलिमेंट्स जो तैयार करता है, मॉलिक्यूल्स तैयार करता है एलिमेंट का, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है वो तीन प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इनके टाइप्स हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, देन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसका अर्थ क्या है, द मॉलिक्यूल हैव ओनली वन एटम, यानी कि सिंगल एटम जो है वही उसका मॉलिक्यूल तैयार करता है, तो उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल्स जो है हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सभी एलिमेंट्स जो है वो इनएक्टिव एलिमेंट्स है, उसे नोबल एलिमेंट भी कहते हैं। हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये इनएक्टिव होने की वजह से उनका सिंगल एटम जो है, एक ही एटम जो है वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट रह सकता है, और उस एक ही एटम से उसका मॉलिक्यूल बनता है, तो इसे कहते हैं मोनो एटॉमिक। आ गया समझ में। तो मोनो एटॉमिक हम किसे कहेंगे, जो भी एलिमेंट्स का एटम है उसके सिंगल एटम से ही उसका मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड एग्जांपल्स आर हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सभी इनएक्टिव एलिमेंट्स और नोबल एलिमेंट जो है वो मोनो एटॉमिक होते हैं। अब डाई एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, तो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, तो रिएक्टिव एलिमेंट्स में उसका सिंगल एटम जो है वो एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता, वो एग्जिस्ट नहीं रह सकता, यानी कि अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वो रिएक्टिव है, उसको दूसरा का साथ चाहिए, अकेले रहने की उसको आदत नहीं होती है, उसे दूसरे का साथ चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने ही एलिमेंट्स के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, और तो उसका मॉलिक्यूल तैयार होता है। जब दो एटम्स जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल तैयार होता है, तो उसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर डायटोमिक मींस, डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल हैविंग
टू एटम्स, दो एटम्स से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, इसका नाम मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका सिंबल O है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है O2 है, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन जो है वो हमारे नेचर के अंदर ऑक्सीजन का एक एटम ये नहीं रह सकता, क्योंकि वे इतना एक्टिव है कि ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद उसका मॉलिक्यूल तैयार होता है O2। यानी कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, दो एटम होते हैं, उसीलिए इसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन N2, तेनंतर हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, then I2, all these are the diatomic molecules having two atoms in their molecule, यानी कि इनके molecules में दो atom होते हैं, इसीलिए उसे diatomic molecule कहते हैं। और polyatomic molecule means having more than two atoms in the molecule। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम्स है तो उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल O3 यानी कि ओजोन, देन P4 फॉस्फोरस, देन S8 सल्फर। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन जो है O3, ओजोन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं ओजोन, तो ऑक्सीजन के तीन एटम्स कंबाइन होने के बाद उसका मॉलिक्यूल तैयार होता है O3, यानी कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर तीन ऑक्सीजन के एटम है, इसीलिए उसे ओजोन कहा गया है। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का जब मॉलिक्यूल होता है तो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फोरस के चार एटम होते हैं, इसीलिए उसे पॉलीएटॉमिक कहा गया है। और सल्फर जो है, उसमें सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के आठ एटम होते हैं, इसीलिए इसका सिंबल जो है S8। S8 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फर का S8, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के आठ एटम होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक, ये तो हो गया एलिमेंट्स के बारे में, ये हो गए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। अब हमें देखना है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे होते हैं, कैसे उनसे लिखा जाता है। तो पहले तो हमें समझना है कंपाउंड किसे कहते हैं। अभी हमने देखा है एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स के अंदर एक ही तरह के एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर एक ही तरह के आइटम होते हैं। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में सभी आइटम ऑक्सीजन के होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स कैसे तैयार होता है, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर देन कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो कंपाउंड्स में क्या होते हैं, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है उसके एटम कंबाइन होने के बाद कंपाउंड तैयार होता है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन आप मैंने भी पहले बताया था, और फिर भी आपको बताता हूं, व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, यानी कि इसका अर्थ क्या है, वाटर जो है, वाटर ये कंपाउंड हो गया है, तो वाटर के कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। दिस टू नंबर इट इज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड O रिप्रेजेंट्स, इसके बाजू में क्या है, कुछ भी संख्या नहीं, यानी कि वन, तो वन हम लिखते नहीं। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, कभी कभी हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं 2H2O। तो जो 2 जो है ये कोएफिशिएंट है, तो 2 का अर्थ क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे कितना है, वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये 2 और ये 2, इसका अर्थ हमें क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना है। और कुछ फार्मूला ऐसा होते हैं, फार्मूले कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में हम बाद में जब वीडियो आएगा तब आपको पता चलेगा। अब ऐसा फार्मूला है CaOH/2, अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है,
तो ब्रैकेट के बाहर दो लिखा हुआ है, तो इस दो का संबंध जो है ब्रैकेट के अंदर जो एटम्स है उसके साथ इसका संबंध है, दिस टू इज नॉट रिलेटेड विद दिस सी ए कैल्शियम। तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम का कितना एटम्स है, एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दो एटम है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, दो एटम है। आ गया समझ में। अब ऐसा फार्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो इसका अर्थ क्या, Cl मीन्स क्लोरीन, तो इसमें इस कंपाउंड्स के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड, इस एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपाउंड के अंदर एल्यूमिनियम का एक एटम है और क्लोरीन के कितने एटम्स है, तीन एटम्स होते हैं। अब ऐसा फार्मूला है Al2O3, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कंपाउंड है उसके अंदर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Al2O3। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे तैयार होते हैं इसके बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसका नाम आपको याद हो, नाम आपको बता दिया, तो उसके नाम से आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना पाएंगे, तो आपको वो वीडियो जो है उसका थोड़ी देर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Al2O3, तो इसका अर्थ क्या है, Al2 यानी कि एल्यूमिनियम के दो एटम्स है और इसके मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के तीन एटम्स होते हैं। तो आ गया समझ में। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में जो है एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, तो एटॉमिक मास जो है ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा, तो एटम का एटॉमिक मास आपको पता चला होगा। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ द मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास में हमने क्या पढ़ा था, द एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ द और द सम ऑफ द टोटल एटॉमिक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब यहां पे आपको समझ, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं उनके एडिशन करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। आगे समझ में। एटॉमिक मास दो तरह के होते हैं, एटॉमिक मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको बताया, तो आज हमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास तो हमने पढ़ा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन करने के बाद हमें एटॉमिक मास मिलता है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सिंगल एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स है उस एटम के एटॉमिक मास की हमें एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें उसका मॉलिक्यूलर मास मिलता है। आ गया समझ में। नहीं समझ में आएगा तो आपको एग्जांपल्स जो है वो आपको मैं बताऊंगा, वो आप उससे आपको समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका यूनिट क्या होता है, इस यूनिट इज डाल्टन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, डाल्टन, इसे डाल्टन कहते हैं। एटॉमिक मास भी डाल्टन में ही लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी जो है हमें डाल्टन में लिखते हैं। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, H2O मींस वाटर। अब यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यहाँ पे निकाला है, तो उस चार्ट से आप समझेंगे और उससे उसके बाद मैं आपको और इजी मेथड आपको पढ़ाऊंगा कि जिससे आप कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है, पहले कॉलम में देखिए मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का नाम लिखा है वाटर, तो दूसरे कॉलम में लिखा है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट है, पहला एच यानी कि हाइड्रोजन है, बराबर है वहां पे लिखा हुआ है, और दूसरा ओ यानी क्या है, ऑक्सीजन है। आ गया समझ में बच्चों। अब तीसरा कॉलम जो इसमें लिखा है एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 है, वहां पे लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो इसमें लिखा है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ये बात बहुत जरूरी है, आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट्स के एटम के कितने एटम्स होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, वहां पे लिखना है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1, तो वो आप ही लिखना है। फिर आपके बाद क्या करना है, उसके बाद एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स। तब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो है 2 और उसके एटम है 1, उसके आपको प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है 1 और उसका एटॉमिक मास, और फिर उसके बाद उसकी एडिशन की गई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकला 2 और
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकला है 16। अब दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, यानी कि दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, इसकी एडिशन आती है। तो 18 डाल्टन इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। आपको समझ में आए? अब आपको दूसरी इजी मेथड भी मैं आपको समझाता हूं, जिससे आप उसका कोई भी एलिमेंट से उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब हमें निकालना है, देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कह लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। इसके बाद दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हमें लिखना है इसका फॉर्मूला, जो मैं आपको बनाता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यहां पे लिख सकते हैं, आगे समझ में। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें क्या है, दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास जब हमें निकालना है, तो अब पहले उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर में शॉर्ट में लिखता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तब H2O में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन कौन से हमें पहले पता होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वाटर का फार्मूला H2O, तो इससे पता चलता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो अब जाके हमें निकालना है, तो पहले दो एटम्स है, तो पहले हम दिखाएंगे मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अब उसको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसमें पहला जो एटम्स है उसका एटॉमिक मास, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कितने इसके एटम्स है। तो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास लिखना है और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें एटॉमिक मास भी हमें पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का है 16। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है बच्चों 1, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 1 × 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक ही एटम है, तो 2 × 1 = 2 प्लस 16 × 1 = 16, 2 + 16 दैट इज 18 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। आगे समझ में, ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaOH/2, और दूसरी स्टेप है उस फॉर्मूले में एटॉमिक जो नंबर जो है, आपको हर एक एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है, और तीसरा जो है हर एक एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। तो ये तीन चीजें आपको बहुत जरूरी है, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना जरूरी है, दूसरा जो है हर एक एलिमेंट्स के एटम जो है कितने, जैसे कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का है 2 एटम है, और हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे बाय 2 यानी कि ब्रैकेट के बाहर ये दो नंबर है, तो इस दो नंबर का जो रिलेशन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है, कैल्शियम के साथ नहीं है। तो कैल्शियम का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, और तीसरा जो है उसका एटॉमिक नंबर। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, और हाइड्रोजन का आपको याद हो गया होगा 01। तो आपको एग्जाम में अगर इस मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास दिया हुआ रहता है। तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम क्या है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के कितने एटम्स है, प्लस जो है एटॉमिक नंबर, दूसरा एटम है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजन के कितने एटम्स है। तीसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें निकालना है, लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की कितने एटम्स है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 है, उसे मल्टीप्लाई करना है, कैल्शियम का एक ही एटम है, प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, उसे मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन की कितने एटम्स है, दो एटम है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन की कितने एटम्स है, 2 है। तब हो गया 14 1 40, 16 2 32, 2 1 2। तो अब इसके एडिशन करेंगे 2 2 4, 74 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आ गया समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 74। हर बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में अगर आ गए 3-4 मार्क के लिए तो आप सबको सभी स्टेप लिखने पड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट भी आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर और उसके नंबर ऑफ एटम और फिर इसके एडिशन करते जाइए। अब ये हो गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल का मास। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है। अब देखिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास 16 नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं, दो एटम में, जैसे हमने पढ़ा है ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और उसके एटम में दो, उसके मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो एक ऑक्सीजन का मास हो गया 16 और दूसरे ऑक्सीजन का 16, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 62 डाल्टन और एटॉमिक मास जो है वो है 16। एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास निकला, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, दो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2 है, दैट इज 1 + 1, दैट इज 2। आगे समझ में, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।